दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और काला योद्धा का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को काला योद्धा मार कर बादल से नीचे गिरा देता है। बाबा काला योद्धा का मुकाबला करने की कोशिश करते है, लेकिन काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से बाबा को मार कर बेहोश कर देता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देख कर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। काला योद्धा अपनी कंकाल सेना को गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे लगा देता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन भागकर एक छोटे से गांव में आते हैं। वो लोग वहां आकर छिप जाते हैं। काला योद्धा की कंकाल सेना उस गांव में आकर उन लोगों को चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी शॉन अपने बम से सारी कंकाल सेना को उड़ा देता है। इधर काला योद्धा अपनी ऊंट पर बैठकर उस गांव में आता है। उस गांव में आते ही काला योद्धा देखता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उसके सारे कंकाल सेना को मार दिया है। और अब आगे की स्टोरी। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे कंकाल सेना को मार कर अच्छा नहीं किया। गुल्ली बुल्ली और शॉन काला योद्धा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैद कर लेता है। उन सभी को वहां से लेकर जाने लगता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन को उसी गांव में लाता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन को बाबा के साथ पिंजड़े में डाल देता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब मैं इस पूरे गांव को मिस्र में बदल दूंगा और फिर इस पूरी दुनिया में राज करूंगा। इतना कहकर काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से उस गांव को मिस्र में बदल देता है। देखते ही देखते पूरा गांव रेगिस्तान बन जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ये देखकर बहुत टेंशन में जाते हैं। काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक पिरामिड बनाता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को उस पिरामिड के अंदर कैद कर देता है और वहाँ अपनी कंकाल सेना को बुलाता है और उनसे कहता है इस पिरामिड की रखवाली करना, मैं जा रहा हूँ दूसरे गांवों को तबाह कर मिस्र बनाने। न कहकर काला योद्धा वहाँ से चला जाता है। काला योद्धा की कंकाल सेना उस पिरामिड की चारों तरफ से रखवाली करने लगती है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा पिरामिड के अंदर कैद हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के चारों तरफ लावा से भरी नदी है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा यहाँ से कभी नहीं भाग सकते। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा अपनी पावर से यहाँ बादल को बुलाइए, हम लोग बादल पर बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा अपनी पावर से बादल को बुलाने की कोशिश करते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, लगता है ये पिरामिड के अंदर मेरी पावर नहीं काम कर रही, लगता है हम सभी का आखिरी समय आ गया है, काला योद्धा हम लोगों को मार कर ही रहेगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा को कुछ याद आता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, मेरे पास उस किताब पे लगा हुआ हीरा है, ये देखो इस हीरे में जरूर बहुत पावरफुल शक्तियाँ होंगी, हम लोग इस हीरे की मदद से इस पिरामिड के अंदर से निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन बाबा हम इस हीरे की मदद से इस पिरामिड से कैसे निकलेंगे, इस हीरे के अंदर जरूर कुछ पावरफुल शक्तियाँ हैं। अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे तभी उस हीरे के अंदर से एक जिन बाहर आता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जिन बाहर निकलते ही बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे याद क्यों किया। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा जिन से कहते हैं, काला योद्धा उस जादुई किताब से बाहर आ गया है। ये सुनकर जिन बहुत घबरा जाता है। जिन बाबा से कहता है कि काला योद्धा बहुत पावरफुल है, अगर वो किताब से बाहर आ गया है तो वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बाबा कहते हैं, काला योद्धा ने हम सभी को इस पिरामिड के अंदर कैद कर दिया है, अगर हम लोग इस पिरामिड से बाहर निकल जाए तो हम लोग मिलकर काला योद्धा का मुकाबला कर सकते हैं। जिन कहता है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम सभी को इस पिरामिड के अंदर से बाहर निकाल दूंगा। जिन अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को उस पिरामिड से बाहर निकालता है। कंकाल सेना देखती है कि सभी लोग उस पिरामिड से बाहर आ गए हैं। कंकाल सेना कुछ कर पाती, जिन सभी कंकाल सेना को अपनी जादुई शक्तियों से जला देता है।
बाबा जिन से कहते हैं अगर हम दोनों मिलकर काला योद्धा का मुकाबला करें तो हम लोग आसानी से काला योद्धा को वापस उस किताब में बंद कर सकते हैं। जिन कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो काला योद्धा किधर गया है? बाबा कहते हैं वो काला योद्धा थोड़ी देर में यहाँ आता होगा, चलो चलकर कहीं छिप जाते हैं। सभी लोग आकर एक घर के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में काला योद्धा वहां आता है। वहां आते ही काला योद्धा देखता है कि उसकी सारी कंकाल सेना को किसी ने जला दिया है और सभी लोग उस पिरामिड से बाहर आ गए हैं। काला योद्धा ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इधर बाबा जिन से कहते हैं कि तुम काला योद्धा को पीछे से जाकर पकड़ो, मैं काला योद्धा पे सामने से वार करूंगा। जिन कहता है ठीक है। जिन तुरंत जाकर काला योद्धा को पीछे से पकड़ लेता है। बाबा काला योद्धा के सामने आते हैं। बाबा दौड़ कर जाते हैं और काला योद्धा को मारते हैं, जिससे काला योद्धा दूर जाकर गिरता है। काला योद्धा ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। काला योद्धा उठता है और बाबा और जिन से कहता है तुम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या करता हूँ। काला योद्धा अपनी पावर से वहाँ एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर को बुलाता है। ये देखकर बाबा और जिन्न बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर दौड़कर जाता है और जिन्न को मारता है, जिससे जिन्न बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा बाबा का? क्या बाबा भी मारे जाएंगे या फिर बाबा इस मॉन्स्टर का मुकाबला करेंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।